राम रहीम की राजदार प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत पिछले 27 दिन से लापता है। पंचकुला हिंसा के मामले में उसकी खोज हो रही है, वो मोस्ट वांटेड है, उसकी जान पर खतरा भी बताया जा रहा है। सवाल है कि आखिर ऐसे कौन से राज हैं जिनकी वजह से हनीप्रीत को खतरा है। जनमन विशेष। हनीप्रीत एक पहेली। 27 दिन से हनीप्रीत पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गई है। डेरे की साधियों के लिए वो माया थी। चुप करके उसे चुपचाप बैठी रही हैं, ऐसी कोई उठो ही नहीं की। उमें जिकर नाच कर दी हनीप्रीत, उमें जिकरी दोबारा बाबा जी को फिर चली। माया नगरी को वो विचित्र लगती थी। दोनों के दिमाग थोड़े विचित्र थे, बाबा के ये लोग थोड़े अलग ही थे। शांति शक्ल पे तो शांति लगती थी, लेकिन कितनी क्रांति है ये तो अभी पता चल रहा है। और खुद वो बेबी डॉल बनना चाहती थी। टापते टाइम मैं जब भी मैं जिम में एंटर करती, मुझे ये कमली वाला बेबी डॉल सॉन्ग सुनाई देता था वहां पे। इन सभी के बीच आज दो सच्चाई हनीप्रीत के सामने खड़ी है। एक तरफ है FIR नंबर 345, तो दूसरी तरफ है जान का खतरा। एक तरफ अंडरग्राउंड होकर दिन बिता रही है हनीप्रीत, तो दूसरी तरफ उसके नाम से लगाए जा रहे हैं ठुमके। हरियाणा पुलिस हनीप्रीत से पूछताछ करना चाहती है। पूछताछ के लिए ही उसे बुलाया गया, नहीं पहुंची तो लुकआउट नोटिस जारी किया गया। लेकिन अब तक हनीप्रीत नहीं पहुंची तो FIR के अंदर उसका नाम शामिल कर दिया गया। पंचकुला की सेक्टर 5 की FIR नंबर 345 में ये नाम दर्ज है। FIR नंबर 345 पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में दर्ज की गई। इसी FIR में अब हनीप्रीत आरोपी है। मतलब ये कि पुलिस मान रही है कि 25 अगस्त को जो हिंसा हुई उसे भड़काने में हनीप्रीत का भी रोल था। पुलिस को शक है कि डेरे से जुड़े लोगों की मिलीभगत से ही हनीप्रीत फरार है, इसलिए डेरा की चेयरपर्सन विपासना से 3.5 घंटे पूछताछ की गई। इस दौरान 135 सवाल पूछे गए, जिनमें से 50 सवाल हनीप्रीत पर ही थे। डेरे के वाइस चेयरमैन PR नैन से भी 2.5 घंटे पूछताछ की गई, लेकिन उसने भी हनीप्रीत के बारे में कुछ नहीं बताया। वहीं डेरे के प्रवक्ता ने कल ABP न्यूज पर आकर हनीप्रीत की जान को खतरा बताया था। वही लोग साजिश कर रहे हैं जो हनीप्रीत को मार देना चाहते हैं, वही लोग डेरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और मैं भी मांग करता हूं ABP चैनल के माध्यम से कि उन लोगों का नाम बाहर आए जो हनीप्रीत को मारना चाहते हैं। पुलिस की पड़ताल रोहतक, सिरसा से होकर उदयपुर और नेपाल के विराटनगर तक पहुंच चुकी है। मुंबई गुड़गांव में भी छापेमारी की गई। भारत नेपाल बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ती जा रही है, लेकिन हनीप्रीत का अब तक कुछ पक्का पता नहीं चल पाया है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ हनीप्रीत के पास है, जैसे क्या उसने पंचकुला में हिंसा के लिए पैसे दिए, क्या हनीप्रीत ने राम रहीम को फरार करवाने की साजिश रची, क्या हनीप्रीत के इशारों पर ही राम रहीम नाचा करता था, क्या हनीप्रीत ने ही राम रहीम को रंगीन बनाया। लेकिन जिसे ये जवाब देने हैं वो 27 दिन से अंडरग्राउंड रहकर पहेली बनी हुई है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।